हाय फ्रेंड्स, आज आपका ना मोस्ट है ना वेलकम है हमारे डीएस ट्रेडिंग चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो प्लीज है ना सब्सक्राइब वाला ना एक बटन है, आप उस पर क्लिक कर दीजिए एंड घंटी वाला आइकॉन आएगा तो उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए, जिसके कारण आपको मेरी हर एक वीडियो पहले दिखाई देगी। आज ये आप देख रहे हो ये निफ्टी 20 का चार्ट है। अब ये निफ्टी 20 क्या है तो थोड़ा भी हम लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि जो निफ्टी 20 है ये एक ना इसको शॉर्टकट में ना भले बोलते हैं निफ्टी 20, बट है ना इसका फुल नेम जो है निपॉन इंडिया ईटीएफ 50-20। इसके अंदर निफ्टी 20 में क्या होता है कि आपकी निफ्टी 50 के जो भी शेयर्स हैं उन शेयर्स का पूरा मिलाकर है ना एक है ना निफ्टी 20 बनाया गया है। तो आप इसके अंदर है ना अपनी जो भी अगर है ना चाहो तो आप उसके अंदर अभी फिलहाल ट्रेड मतलब कर सकते हो। अभी देखा जाए तो मार्केट में इसका ना जो फिलहाल जो प्राइस चल रहा है वो 214 रुपये के हिसाब से इसका प्राइस अभी चल रहा है मार्केट में। ओके, तो आप है ना ये देख लीजिए अभी इसमें क्या करना है। अभी ऐसा हम लोगों को ये देखिए, ये जैसे आप है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते होंगे बराबर, राइट? तो जैसे आप है ना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो सेम टू सेम इसमें भी है, इसमें भी कुछ अलग नहीं है। तो अगर आपको अगर लग रहा है कि म्यूचुअल फंड में थोड़ा इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्या है कैसे नहीं होगा ये मतलब अच्छा रहेगा कि नहीं, तो आप इसके ऊपर ट्रस्ट भी कर सकते हो। इसके अंदर आपको ज्यादा ना चार्जेस भी नहीं लगेंगे और देखा जाए तो हर एक कंडीशन में मतलब ये हर एक कंडीशन मतलब पूरी कर देती है, आपको ज्यादा ब्रोकरेज का भी टेंशन नहीं। और जैसे आप शेयर्स करें तो सेम टू सेम आपको वैसे सारे के सारे कर देने हैं। नाउ अगर मैं अभी आपको बताना चाहूंगा इसके अंदर जो रिटर्न अभी देख रहे हो, जैसे अगर 1 महीने का अगर रिटर्न देखो तो आपको ना है ना 1% का रिटर्न दिखेगा। आप अगर 6 महीने का भी रिटर्न देखो तो अभी भी आपको 19% का आपको रिटर्न दिख रहेगा। ईयर टिल डेट का है तो मतलब आज फर्स्ट है ना जनवरी से लेकर अब तक है ना 15% के रिटर्न, और 1 साल के अंदर भी देखो तो 21% का रिटर्न, 5 ईयर्स में देखो तो 94% का रिटर्न, और अगर मैक्सिमम भी अगर है ना देखा जाए तो आपको 203% का रिटर्न है। यानी कि अगर ना देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो जैसा चल रहा था उस हिसाब से आपको और ओके ओके मतलब है ना आपको अच्छा खासा रिटर्न्स आ जाता है यहाँ से। अभी नाउ भी मैं बात करूंगा आपको कि यहाँ पर अभी क्या ऐसा है ना एक प्रॉफिट हो सकता है। तो अभी चलो अगर मैं आपके साथ है ना कुछ है ना चीजें आपको शेयर करता हूँ कि यहाँ पर अभी हमारा क्या प्रॉफिट ऐसा हम बना सकते हैं जो रियलिटी में हमको है ना बहुत अच्छा काम का आएगा। ये अब जैसे चार्ट देख लो, ओके अभी ना अभी इस चार्ट में क्या चीजें होने वाली है कि ये देखिए, ये ना जैसे मतलब निफ्टी चलता है सेम टू सेम है ना, इसके अंदर भी वही चीजें ना चल रही है, इसके अंदर कुछ ज्यादा कोई अलग सा कोई पार्ट नहीं आया। तो भी आप जैसे भी इसके अंदर अगर ये देखिए ये जैसे ना पार्ट जैसे चल रहे हैं ओके ओके सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है, इसमें कहीं पे कोई ऐसा इश्यूज नहीं है जहां पर आपको लगे कि हाँ कि अभी देखिए अभी आज जैसे ना निफ्टी कुछ दिनों से ना नीचे चल रहा है। देखो निफ्टी ना इसके अंदर अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन चल रहा है। ये मैंने ना आपके साथ है ना निफ्टी 20 का जो है ना 1 डे का मतलब है आपके साथ मैंने शेयर किया है, तो है ना डेली बेसिस में अगर ये देख सकते हो। अभी इसके अंदर है ना आप अगर अपनी कोई पोजीशन बनाना चाहते हो या आप उसको कुछ दिनों के लिए खरीदना चाहते हो तो फिर क्या टारगेट्स अगर ना रहेंगे, अगर ये निफ्टी 20 में अगर देखा जाए तो अगर है ना अभी आप जो है ना ये देखो 220 रुपये का जो टारगेट मतलब यहाँ पर है ना जो मैं लेके चल रहा हूँ ये काफी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा सा मतलब है ना टारगेट फिलहाल अभी यहाँ पर एक अचीव कर सकते हो आप यहाँ पर। तो ये भी बहुत एक है ना एक अच्छा सा पॉइंट होगा आपके लिए। तो हम लोग है ना सबसे पहले अगर मान लो कि अगर मैं अपना एक कोई टारगेट बनाता हूँ तो यहाँ पर मैं टारगेट आप है ना 220 रुपये का एक टारगेट बना सकते हो, ये यहाँ तक आपको गेन हो जाएगा। इसके बाद अगर आपकी इच्छा है तो आप इसे सेल भी कर सकते हो। और नीचे से नीचे अगर मैं मतलब स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं कि मुझे ना ज्यादा से ज्यादा स्टॉप लॉस कहाँ पे दिखाई देगा, तो अभी अगर मैं अगर स्टॉप लॉस की अगर बात करूँ तो फिर आप है ना 212 रुपये का है ना आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो। ये भी है ना काफी अच्छा सा अगर है ना मोमेंट्स है, यहाँ पर हम लोग एक स्टॉप लॉस है ना सजेस्ट कर लेते हैं कि यहाँ पे ना 212 रुपये, यहाँ पे आपको ना ज्यादा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। एक चीज मैं ये भी बता सकता हूँ अभी यहाँ पर अभी एक मान लो कि अभी इससे डर जाओ तो ऐसा कोई टेंशन नहीं, आप 2000 मतलब 212-14 चलते रहेगा। थोड़ा निफ्टी ऊपर नीचे देखो, जैसे निफ्टी ना जिस तरह से मूवमेंट्स है ना उसकी दिख रही थी ओके, तो ये निफ्टी का देखो ये जैसा मूवमेंट था धीरे धीरे जैसा ऊपर आ रहा था वैसे वैसे चला, जैसे थोड़ा निफ्टी ना मतलब यहाँ पर अभी ये जो कंसोलिडेटेड जो चीजें जो इसके अंदर ना पैटर्न बना रहा है ये पैटर्न्स में थोड़ा नीचे आएगा तो कोई बात नहीं ओके ठीक है यहाँ पर। और लेकिन अगर यहाँ पर अगर जैसे अगर कुछ अगर ऊपर आ रहा है तो आप डेफिनेटली इसके अंदर अपनी पोजिशन बना के आप इसको ऊपर का टारगेट ले सकते हो, यानी कि आपके लिए बहुत एक तो सही है। अब यहाँ पर है ना नहीं देखे हो तो मैंने आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन की है। रियलिटी में अगर आपको बहुत अगर अच्छा लगा रहेगा तो प्लीज है ना सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इसी के साथ मैं ये कहूंगा कि है ना आप है ना थोड़ा सा एक्सपेक्टेड कि मुझे कुछ है ना लाइक्स वाइक्स है ना आप है ना यहाँ पर है ना कीजिए, बिकॉज मैं हर बार कुछ नया चीज आपके लिए लाते रहता हूँ। मैं यहाँ पर आपके साथ सिर्फ शेयर नहीं, मैं
थोड़ा थोड़ा आपके साथ है ना म्यूचुअल फंड पे थोड़ा सा है ना मतलब मार्केट के कुछ ऐसे पॉइंट्स कहीं पे ऐसे कोई चीज नई नई कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, सारी चीजें भी आपके साथ मैंने यहाँ पे शेयर की। डेफिनेटली मेरे ख्याल से अगर आपको बहुत पसंद आया होगा एंड आई एक्सपेक्टेड कि आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी मेरा भी इसके अंदर पहला ये कहना है कि है ना मैंने ऑलरेडी अगर आपको अगर ये वीडियो अगर जैसी लगी हो तो प्लीज आप है ना कमेंट कर दीजिए। अगर है ना इसी के साथ है ना मैं एक है ना लाइक एंड है ना शेयर भी है ना करोगे तो भी ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि अगर है ना इसके अंदर अगर मान लो कि आपको किसी ऐसे शेयर्स के ऊपर अगर आपको लग रहा है कि मेरे को वीडियो चाहिए तो आप वो शेयर्स भी ना आप है ना कमेंट कर दीजिए, आपको वो भी चीज यहाँ पर है ना हम लोग है ना सजेस्ट कर देंगे। और मान लो कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में ना मेरा है ना व्हाट्सअप नंबर दे के रखा है, तो आप है ना वहां पर भी है ना चाहो तो है ना डिस्कस कर सकते हो कि मतलब है ना किसी शेयर्स के बारे में कोई वीडियोस बनानी है या फिर कुछ चाहिए, मैंने वहां पर भी लिख दिया और यहाँ पर भी नंबर लिख दिया। यही सारी क्वेरीज को हम लोग ना सॉल्व करते हुए हम लोग अपनी पोर्टफोलियो बहुत अच्छे से बनाएंगे। और आप चाहते हो कि मेरी कोई पोर्टफोलियो पे फ्री रिकमेंडेशन हो जाए तो ऑब्वियसली मैं ना पोर्टफोलियो पे आपके ना फ्री रिकमेंडेशन भी है ना आपको है ना मैं कर दूंगा वहां पे, मुझे उसके लिए कोई चार्ज नहीं रहेगा। एंड डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा कि हम लोग कितना अच्छा सा अपना पोर्टफोलियो बना सके। और अभी आपको अगर हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ही अच्छे से मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, चलो बाय।